हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सो इन दिस लेक्चर वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 7. प्लीज ओपन टू पेज नंबर 39. चैप्टर 7 सीक्रेट ऑफ सक्सेस. ये हमने चैप्टर समझा था पूरा, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2, राइट? नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज. पेज नंबर 39. ओके, एक्सरसाइज वर्ड मीनिंग्स. पीरियड, पीरियड क्या होता है? एक समय की अवधि. मतलब जैसे कि आपके इंग्लिश का पीरियड है कितने मिनट्स का? 40. फिर आपका ईवीएस का पीरियड रहेगा, हिंदी का पीरियड रहेगा. तो जो एक स्पेसिफाइड टाइम रहता है उसे हम बोलते हैं पीरियड. एक्साइटेड, एक्साइटेड आप सब जानते हैं. एक्साइटेड मतलब खुश होना, एंथुसियास्टिक होना. इंस्टेड, इंस्टेड मतलब उसकी जगह पर. जैसे कि इंस्टेड ऑफ वियरिंग ब्लैक आई एम वियरिंग ब्लू. ब्लैक की जगह मैं ब्लू पहन रही हूं, इंस्टेड. शेयर, शेयर मतलब किसी के साथ अपनी चीज उसको भी देना. लाइक शेयरिंग योर फूड. आप जब रिसेस में अपना लंच शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ. आर्चरी, आर्चरी मीन्स धनुष चलाना. शूटिंग विथ बो, बो मतलब होता है धनुष. एंड एरो, एरो मतलब बाण. लेसन, लेसन मतलब शिक्षा. आपको क्या शिक्षा मिलती है? मैसेज, मैसेज मतलब कुछ खबर. जैसे कि दिस इज अ क्लास में अनाउंसमेंट है. दिस इज अ मैसेज फ्रॉम प्रिंसिपल दैट टुमारो इज अ हॉलीडे. कि प्रिंसिपल की तरफ से मैसेज है कि कल हॉलीडे है. सीक्रेट, सीक्रेट मतलब छुपा हुआ, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है. ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. नंबर 1, टेक द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 1, इन ओल्डन डेज द स्टूडेंट्स हैड टू लिव. कहां पर रहते थे स्टूडेंट्स? देखिए पेज नंबर 36 पर, लॉन्ग लॉन्ग अगो. ये वाला पैराग्राफ, दे हैड टू लिव इन द आश्रम ऑफ द गुरु. क्योंकि उधर स्कूल नहीं होते थे, उधर होते थे आश्रम्स, उनके गुरु के आश्रम्स. तो उन्हें कहां रहना पड़ता था? आश्रम ऑफ द गुरु. आप सब तो अपने घर में रहते हैं और घर से स्कूल आते हैं. उस समय में क्या होता था, बच्चे उधर स्कूल में ही रुकते थे जब तक उनकी पूरी पढ़ाई खत्म नहीं होती. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इन द आश्रम ऑफ द गुरु. नंबर 2, द नेम ऑफ द इंग्लिश टीचर इज. इंग्लिश टीचर का नाम क्या था? देखिए पेज नंबर 36 पर, नाउ लिसन टू मी. ये किसने बोला था? मिसेस दास. इट वॉज द इंग्लिश पीरियड. मिसेस दास द इंग्लिश टीचर एंटर द क्लास. कौन है? मिसेस दास. आप सबकी इंग्लिश टीचर कौन है? आपको नाम पता है? हो, यस और नो? सो हियर इट विल बी मिसेस दास. टिक फॉर द करेक्ट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग. इट वॉज मैथ्स पीरियड. अभी हमने पढ़ा कौन सा पीरियड था? इंग्लिश पीरियड. तो इधर क्रॉस. नंबर 2, द बॉयज वर सेंट टू गुरुकुल टू स्टडी. इज इट ट्रू? देखिए पेज नंबर 36 पर, द बॉयज वर सेंट टू गुरुकुल टू स्टडी. सो इज इट करेक्ट? यस. नंबर 3, द गुरु टॉट देम ओनली होली बुक्स. वो सिर्फ शास्त्रों की बातें उनके गुरु उन्हें बताते थे. इज इट ट्रू? देखिए पेज नंबर 37 पर, द गुरु टॉट मैथ्स. उन्हें मैथ्स भी पढ़ाते थे, ग्रामर, ग्रामर भी पढ़ाते थे एंड होली बुक्स. सिर्फ होली बुक्स नहीं पढ़ाते थे, मैथ्स ग्रामर भी पढ़ाते थे. तो वो हमारा स्टेटमेंट सही है कि गलत? गलत है. नंबर 4,
द 10 प्रिंस लिव्ड विद द गुरु इन द आश्रम. क्या वो 10 प्रिंस थे या 5 थे? देखिए पेज नंबर 37 पर. पांडु हु वॉज द किंग ऑफ हस्तिनापुर सेंड हिज 5 सन्स टू द गुरुकुल ऑफ गुरु द्रोणाचार्य. किंग पांडु जो हस्तिनापुर के किंग थे उनके कितने बेटे थे? 5 सन्स. क्या नाम था उनका? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव. ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग. उनके किंग पांडु के 5 बेटे थे. रॉन्ग. नंबर 5, द्रोणाचार्य वर्ड केम ट्रू. उन्होंने आखिरी में, देखिए इधर, अर्जुन के बारे में बोला था दैट ही विल बिकम द ग्रेटेस्ट आर्चर ऑफ हस्तिनापुर. एंड द्रोणाचार्य's वर्ड्स केम ट्रू. जब अर्जुन बड़े हुए तो वो हस्तिनापुर के सबसे अच्छे आर्चरी सोल्जर थे. सो इज इट ट्रू? यस. आंसर दीज क्वेश्चंस. नंबर 1, वॉट इज द नेम ऑफ द इंग्लिश टीचर. देखिए क्या है इधर, देखिए, द नेम ऑफ द इंग्लिश टीचर इज मिसेस दास. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द नेम ऑफ इंग्लिश टीचर इज, क्या नाम है उनका? मिसेस दास. नंबर 2, वेयर वर दी स्टूडेंट्स टॉट इन ओल्डन डेज. Where were the students taught in olden days? देखिए पेज नंबर 36 पर. लॉन्ग लॉन्ग अगो देर वर नो स्कूल्स और कॉलेजेस. वो स्कूल और कॉलेजेस नहीं थे जैसे अभी हैं. इंस्टेड देर वर मैनी गुरुकुल्स. गुरुकुल्स, द बॉयज वर सेंट टू द गुरुकुल्स एंड दे लिव्ड इन द आश्रम ऑफ द गुरु. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इन ओल्डन डेज द स्टूडेंट्स वर टॉट इन गुरुकुल्स. वो गुरुकुल्स में उन्हें पढ़ाया जाता था. इन ओल्डन डेज द स्टूडेंट्स वर टॉट इन गुरुकुल्स. ओके. नंबर 3, What was the name of the guru? गुरु का नाम क्या था? उन 5 प्रिंस के गुरु का नाम क्या था? देखिए पेज नंबर 37 पर. पांडु who was the king of हस्तिनापुर sent his 5 sons to the गुरुकुल. किनके गुरुकुल भेजा था? गुरुकुल ऑफ गुरु द्रोणाचार्य. गुरु द्रोणाचार्य. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द नेम ऑफ द गुरु इज गुरु द्रोणाचार्य. गुरु द्रोणाचार्य. ओके. क्वेश्चन 4, वेयर डिड द गुरु टेक द प्रिंस. वो गुरु एक दिन आर्चरी का लेसन सिखाने उन सारे 5 भाइयों को कहां पर ले गए थे? देखिए पेज नंबर 37 पर. वन डे गुरु द्रोणाचार्य टुक द प्रिंस टू अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. कहां ले गए थे? अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. क्यों? क्योंकि वो उन्हें ही वॉन्टेड टू गिव अ लेसन ऑफ आर्चरी. हमारा आंसर में क्या हो जाएगा? द गुरु टुक द प्रिंस टू द फॉरेस्ट. कहां पर ले गए थे? जंगल में. टू द फॉरेस्ट. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 5, अवर लास्ट क्वेश्चन. What did the guru put on the tree? गुरु द्रोणाचार्य ने पेड़ पर क्या रखा था? बताइए आप सब.
देखिए पेज नंबर 37 पर द्रोणाचार्य शोड द प्रिंस अ क्ले बर्ड दैट ही हैड पुट अपॉन द ट्री. उन्हें पेड़ पर क्या रखा था? एक मिट्टी की चिड़िया. क्ले मतलब मिट्टी. एक मिट्टी की चिड़िया बर्ड. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द गुरु पुट अ क्ले बर्ड ऑन द ट्री. ओके सो दिस इज अवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. सो हमारा चैप्टर फिनिश हुआ, एक्सरसाइज भी फिनिश हुई. आप सब कॉपी में क्या करेंगे? इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स. दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स यू विल डू इन योर कॉपी. ओके स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग था ना ये चैप्टर? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आप जब महाभारत के बारे में और जानेंगे सो आपको और इंटरेस्ट आएगा एंड ईजी एज वेल. ओके थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा.